स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जियो टैग में। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो तिरंगा ऐप प्रेडिक्शन जो गेम है फ्रेंड, आपने उसमें जो पैसा जो है डाल चुका है, आपने QR कोड से फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम या किसी से भी उसमें आपने उसमें पैसा डाल चुका है और डालने के बाद जो आपका पैसा है उस ऐप में आया नहीं है, वो कलर प्रेडिक्शन गेम में जो आया नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो पैसा जो डाला है उसमें और जो आपके कलर प्रेडिक्शन तिरंगा गेम में जो है आया नहीं है, तो वो आप कैसे उसमें जो ला सकते हो या फिर आप अपना पैसा वापस अपने अकाउंट में जो है ला सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तभी आप समझ पाओगे। तो चलिए फ्रेंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फ्रेंड यदि आप भी अपना पैसा जो है वापस लाना चाहते तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, लास्ट तक देखोगे तभी आप समझ पाओगे वरना ना समझ पाओगे। फ्रेंड होता क्या है, सब लोग स्किप करके देखते जाते हैं, बाद में समझ नहीं आता, फिर कमेंट करते रहते हैं, बोलते कि सर ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जो अपना पैसा जो है आपका कट चुका है, आपने अपना पैसा जो अमाउंट उसमें डाल चुके हो और वो अमाउंट वापस आपके अकाउंट में नहीं आया, या तो आप उसको वापस ले सकते हो या आप अपने गेम में उसको ले सकते हो। तो उसके लिए सिंपली मैं चलिए यहाँ पे आपको अपना तिरंगा गेम ओपन करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने तिरंगा गेम जो ओपन करके यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है फ्रेंड। आपने उसमें जो पैसा जो है डाल चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपने उसमें पैसा जो डाला है, तो पैसे डालने के बाद यहाँ पे मैं आपको वॉलेट में आके दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे वॉलेट में आया तो मेरा यहाँ पे अकाउंट जो आपको देखने को मिल रहा होगा टोटल जीरो, यहाँ पे आपको बैलेंस मेरे को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप चाहते हो कि यार आपका जो पैसा है या इस अकाउंट में आ जाए या आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, जहाँ से भी आपने पैसा इसमें जो डाला है वो उसमें आया नहीं है, या तो आप अपने अकाउंट में ले लो या फिर इसमें ले लो, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में ले लो या फिर ये कलर प्रेडिक्शन गेम के अकाउंट में ले लो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जो अपना पैसा जो है वो वापस लाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चले जाना सिंपली लास्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपली आपको अकाउंट के ऑप्शन पर आना है। अकाउंट के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपली इस ऑप्शन में देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, इस ऑप्शन में आपको सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको देखने को मिल रहा होगा लाइव चैट, तो सिंपली इस लाइव चैट पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल सर्विस रिचार्ज एंड विड्रॉल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने जो है अपना रिचार्ज करा होगा, जो भी आपने अपने अकाउंट से उसमें पैसा डाला होगा वो पैसा नहीं आया होगा, तो उसी विषय में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली आपको इसमें कर देना है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक नोटिस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट इश्यूज करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट करके देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो पैसा है जो आपके गेम में आया नहीं है, तो आपके गेम में आया नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिपॉजिट नॉट रिसीव, तो सिंपली उस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तिरंगा गेम आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो तिरंगा गेम आईडी आप कहाँ से लोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली पहले तो मैं आपको यहाँ से बैक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आपको अपनी तिरंगा गेम आईडी जो है लेना कहाँ से। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यू आईडी करके यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रहा होगा 9080336 यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सिंपली इसके बाजू में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वही मैं प्रोसेस कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोसेस करने के बाद यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, जो भी मेरी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तिरंगा गेम आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे सिंपली मैं तिरंगा गेम आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने कितना अमाउंट जो है इसमें पे किया था जो इस गेम में आया नहीं, जैसे कि मान लो मैंने 1000 रुपये किया, ठीक है, तो ये आया नहीं। UTR नंबर देखने को मिल रहा होगा, तो UTR नंबर आपको कहाँ से निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने जैसे फ़ोन पे या गूगल पे या किसी से भी किया होगा, ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फ़ोन पे ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फ़ोन पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो किसी को भी आपने पेमेंट जो वगैरह भेजा होगा या, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपने किया होगा उसकी डिटेल में चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो UTR नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली UTR नंबर भी यहाँ से ऐसा जो कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो UTR नंबर यहाँ पे आपको कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये होता है UTR नंबर।
और फ्रेंड जिसको भी आपने मतलब जिस भी थ्रू आपने इनको जो पेमेंट किया होगा तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा चूज फाइल करके, ठीक है। तो सिंपली चूज फाइल में जाके जो भी आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा, ठीक है, तो उस स्क्रीनशॉट को यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें जो है डाल सकते हो, ठीक है। तो मान लो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मान लो कि ये स्क्रीनशॉट है मेरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज ही आप इसमें जेपीईजी में भी ले सकते हो और पीएनजी में भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट इश्यूज पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे चली गई है। उसके बाद आपसे 2 से 3 घंटा लगेगा, आपको 2 से 3 घंटे लगने के बाद यहाँ से आपका जो पैसा है जो आपके अकाउंट में आ जाएगा या तो गेम अकाउंट में आ जाएगा। तो फ्रेंड यही एक छोटी सी वीडियो थी, बहुत से लोग इसमें पैसा डाल के फंस जा रहे हैं, उनका अमाउंट जो है आ नहीं पा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये आज मैंने वीडियो बता दिया, 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको, उसके बाद जो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो फ्रेंड ये एक छोटी सी वीडियो बतानी थी जो बहुत से लोग परेशान हो रहे थे, और यदि आप लोगों को कुछ समस्या हो रही है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी आपकी सहायता कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।